अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ज़रवा ज़ोविश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये है हमारा चॉपिंग बोर्ड जिसने हमारा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एन ईद के दिन इसके साथ एक बहुत ही बुरी ख़तरनाक ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से ये दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मैंने इसको संभाल के रख लिया, कहा इसका कुछ करूँगी, और फिर मैंने इसको ग्लू से जोड़ दिया। और ड्राई होने के बाद मैंने इस पर जैसो अप्लाई की पहले, और फिर उसके बाद ये स्काई ब्लू शेड में मैं इसका बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ, और बीच में मैंने ज़रा लाइटर शेड लेकर पूरा पेंट कर दिया। मैंने सोचा इसका और किचन का इतना ज़्यादा साथ रहा है तो इसको अब किचन से जुदा करना तो इसके साथ सरासर ज़्यादती होगी, तो मैंने सोचा इसको किचन का ही वॉल डेकोर बना देती हूँ। तो मैं इसको किचन का वॉल डेकोर बना रही हूँ, और ये मैं इस पर ब्लैक पेंट से लिख रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये मैंने ली हैं आइसक्रीम स्टिक्स, इनकी मैं हाउस शेप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने UHU यूज़ किया है, लेकिन आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इतना मोटा रखूँगी कि इसमें हमारा कोई मिनी सा आइटम अंदर आ जाए। और अब मैं इसको पेंट कर दूँगी। पेंट करने के बाद ये देखिए हमारा अब रेडी है, और मैं इसको UHU की मदद से ही चॉपिंग बोर्ड पे स्टिक कर दूँगी। इसको मज़ीद थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं इस पर लेस लगा रही हूँ ताकि हमारा हाउस थोड़ा हरा भरा लगे, और अपना जो हर्ट बनाया था हमने उसको मैं फिल कर रही हूँ, और इधर उधर भी मैं थोड़े से हर्ट्स बना रही हूँ। और अब मैं इसमें रेड ग्लिटर यूज़ कर लूँगी हर्ट में, और आखिर मैं थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए डार्क शेड में थोड़े से स्ट्रोक्स दे रही हूँ साइड पे। और मेरी गोल्डन ग्लिटर की एक शीशी खाली हो गई थी तो फिर मैंने कहा उसी में मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको डेकोरेट कर दूँ। UHU से मैंने इसको चिपका दिया, और ये जो हाउस है इस पर भी मैंने गोल्डन ग्लिटर लगा दिया था, और आखिर में मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया है ताकि जो भी हमने कुछ बनाया है, जो पेंट किया है, वो हमारा सिक्योर हो जाए। और वार्निश ड्राई होने के बाद मैंने इस पर 3D आउटलाइनर से डॉट्स बना दिए पूरे उस पर, और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। और ये मैंने किचन के वॉल पे भी लगा दिया था, और बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपको भी अच्छा लगा हो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।